नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे पिंक सिटी प्रेस क्लब के 33वें स्थापना दिवस समारोह की ओर, जहां वरिष्ठ और युवा पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शॉल, साफा और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। तुम मुझको विश्वास दो, शंकाओं के सागर सब लंग जाएंगे, मरुधरा को मिलकर स्वर्ग बनाएंगे। मैं तुमको विश्वास दूं, तुम मुझको विश्वास दो। के स्थापना दिवस को पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी बधाई दी है और एक बधाई संदेश भेजा है कि कोई आवश्यक काम होने के कारण वह उपस्थित नहीं हो सके इस महत्वपूर्ण क्षणों में। और उन्होंने अभी हम सभी हमारे पत्रकार साथियों को जो सम्मानित हुए उनको भी शुभकामनाएं दी हैं और प्रेस क्लब परिवार को शुभकामनाएं अर्पित की हैं। राजधानी जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब का 33वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में विधायक कालीचरण सराफ, गोपाल शर्मा, बाल मुकुंद आचार्य, भाजपा नेता रवि नैयर और क्लब संस्थापक सदस्य प्रवीण चंद्र छाबड़ा समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इस सम्मान का उद्देश्य पत्रकारिता के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करना था। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य के लिए जनटीवी से वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा, न्यूज 18 से अमित भट्ट, जी न्यूज से शशिमोहन शर्मा, फर्स्ट इंडिया से योगेश शर्मा सहित अन्य साथियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। वहीं ANI के पीयूष शर्मा को बेस्ट एडिटर, जी न्यूज के विष्णु प्रकाश शर्मा और न्यूज 18 के हितेंद्र शर्मा को बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर, जन टीवी के डॉक्टर प्रभाष शर्मा और समाचार प्लस के विक्रम सिंह राजपुरोहित को बेस्ट एंकर, दैनिक भास्कर के महेंद्र शर्मा और स्वतंत्र पत्रकार राकेश जोशी को बेस्ट फोटो जर्नलिस्ट के साथ ही इंडिया हेल्थ मैगजीन के आलोक शर्मा और कवि शंकर शिखर को नवोदित पत्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां उनको शॉल, साफा, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर ने सभी अतिथियों और पत्रकारों का स्वागत किया, जबकि महासचिव योगेंद्र पंचोली ने आभार प्रकट किया। हम पत्रकारों के लिए विभिन्न कार्यशाला भी समय समय पर आयोजित करते आए हैं और अभी हमें सरकार से कोई इस तरह का अनुदान नहीं मिलता। हम आपस में ही चैरिटी करके और स्मारिका निकाल के कैसे तैसे करके इस क्लब का संचालन कर रहे हैं और इन संचालन करते हुए हमें 33 साल हो गए। हमारे संस्थापक सदस्य, हमारे पत्रकारिता के पुरोधा आदरणीय प्रवीण चंद जी छावड़ा साहब राजीव में हैं, भैरू सिंह जी साहब से यही चाबी लेके आए थे और उस समय कॉफी हाउस होता था। अब उस कॉफी हाउस में बड़ी भीड़ और वहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत आती थी। हमने सबने रिक्वेस्ट की प्रवीण जी भाई साहब शेखावत साहब से वो चाबी लाकर, पूर्व मंत्री हरलाल सिंह खर्रा का बंगला होता था, ये चाबी इन्होंने दी, कंपनी एक्ट में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और आज ये संचालन हो रहा है। तो मैं अभी सभी को बताने में मेरे पत्रकार साथियों को मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ कि वो आए और हमारी हौसला अफजाई की कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार या उनको पुरोधा कहा जाए उनका सम्मान का एक कार्यक्रम आगामी दिनों में रखेंगे, जिसमें पिछले 80 साल से जो भी वरिष्ठ हैं उनका सम्मान किया जाएगा अलग से। और आज तमाम जो हमारे साथी हैं, एडिटर्स हैं, न्यूज़ हेड्स हैं या एंकर्स हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम जो लोग हैं उनको हमने सम्मान दिया, हमें भी अच्छा लगा। और आप ऐसे ही कार्य करते रहें और आपका जो साथ समर्थन भी हमारे साथ यूँ ही बना रहे। और ये भी है कि जो डिमांड थी सोलर की डिमांड कालीचरण जी भाई साहब ने कही थी कि सोलर की जो हमारी मांग है पूरी, क्योंकि जिस तरह से इतना बिल आता है, और दूसरी तरह से गोपाल जी भाई साहब ने ये भी कहा कि जहाँ यहाँ कॉमर्शियल बिल आता है तो उसको किस तरह से डोमेस्टिक किया जाए, उसका भी कोई रास्ता निकाला जाए। और कई चीज़ें हैं यहाँ पर जिनका निर्माण भी होना है और जो पुरानी है, हमारा ऑडिटोरियम भी काफ़ी पुराना हो चुका है, उसके लिए भी अगर सरकार या फिर विधायकों से कैसे भी कोई रास्ता निकल के अगर काम हो जाए तो पत्रकारों के लिए बहुत अच्छी सहूलियत हो जाएगी। इस विशेष अवसर पर केंद्रीय पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकारिता का आरंभ ऋषि नारद के समय से हुआ है और आज यह समय के साथ विकसित हुई है। उन्होंने पत्रकारों की भूमिका को सराहते हुए कहा कि
वे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शेखावत ने देश की आर्थिक और सामरिक सुरक्षा पर भी प्रकाश डाला और कहा कि आज भारत की स्थिति से पूरा विश्व सतर्क है। और निश्चित रूप से मैं एक ऐसी फ्रेटर्निटी से, एक ऐसे पेशे से जुड़े, एक ऐसे समाज से जुड़े लोगों से बात कर रहा हूँ जिनके कंधों पर समाज को उस रास्ते पर बनाए रखने की जिम्मेदारी है, समाज का उत्साह बनाए रखने की जिम्मेदारी है, देश के नागरिकों का विश्वास बनाए रखने की जिम्मेदारी है। तब मैं आप सब से इस मंच पर खड़े होकर के आज इस पुनीत दिन पर ऐसी पावन उपस्थिति में भी मैं आप सबके सामने इस बात के लिए निश्चित रूप से आग्रह करूंगा कि हम सनसनी से ऊपर उठ करके और सकारात्मकता की तरफ देश को ले जाने की दिशा में अगर हम सब काम करेंगे। मैं मानता हूं कि ये बड़ी चुनौती है और बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये समय की आवश्यकता और मांग भी है। हम देश का विश्वास आगे बढ़ा करके किस तरह से देश को विकसित बनाने की दिशा में, जिस दिशा में आज पूरे विश्व के दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़ रहा है, हम सब लोग अपने आप को जोड़ें, इस अपेक्षा के साथ में आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सब ने मुझे स्मरण किया, आप सबके बीच में आने का अवसर प्रदान किया। वहीं विधायक कालीचरण सराफ ने पत्रकारों को बधाई देते हुए बताया कि जल्द ही पिंकसिटी प्रेस क्लब में विधायक कोष या राज्य सरकार के सहयोग से सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। वहीं विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य ने सभी पत्रकारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की आवाज बनने वाले पत्रकारों को हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए। वे समाज की सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये प्रेस क्लब मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, इसलिए निर्वाचन क्षेत्र में कोई कार्यक्रम हो और उसमें मेरा योगदान नहीं हो तो जरा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए जो बिल्डू बना ने कहा कि हाँ अपने क्या कहते हैं उसको सोलर प्लांट के लिए मैं मेरे विधायक को से जितना भी पैसा लगेगा उतना दिए जाने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, आज जिनका सम्मान हुआ है इनको मेरी ओर से बधाई, और जिनका सम्मान नहीं हुआ बिल्लू जी अगले साल ध्यान रखना, उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। हाँ, राजस्थान की मिट्टी का कोई भी पत्रकार किसी पार्टी के एहसानों से दबा हुआ नहीं, उसकी एक ही पार्टी है राजस्थान का विकास, उसकी एक ही पार्टी है भारत का साथ देते समय हमारी उठने वाली कला। आपको मैं बताता हूं जितने साथियों को आज सम्मानित किया है, एक एक के चेहरे मेरे को ध्यान में हैं, कुछ नए हैं और जो महानगर टाइम्स के हैं उनको मैं थोड़ा कम जानता हूं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं मुझे, मैं कह रहा हूं ईश्वर की साक्षी से कि मुझे गर्व हुआ है कि राजस्थान में आप लोगों जैसे पत्रकार हैं किसी दूसरे प्रदेश में देखने को नहीं। एक बार बिल्लू बना जी सबको, जो भी आज सम्मानित हुए हैं, जो भी पूर्व अध्यक्ष हैं, जो भी अपने प्रेस क्लब के लिए ज्यादा सक्रिय हैं, उन सबको चाय के ऊपर या भोजन के ऊपर बुलवाइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पत्रकारिता का बहुत भला होगा। भाई साहब कालीचरण जी नेतृत्व आपको ही करना पड़ेगा कि ऐसे बिल्लू बना और उनकी पूरी टीम, भले पंचुली जी हो, बहन जी और सब जो भी कार्यकारिणी सदस्य हैं, बहुत ही अच्छा पुराणों का अनुभव और नयों का जोश और अनुभव दोनों के साथ मिलकर पिंक सिटी प्रेस क्लब हमारे जयपुर राजस्थान की शान है और पत्रकार बंधुओं के लिए अग्रणी संस्था के रूप में काम करती है। मैं जो भी मेरे से संबंधित कभी भी कोई आवश्यकता रहेगी मैं सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज इस 33वें उत्सव की, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आने वाला दीपोत्सव सबका मंगल में हो, माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती गणेश जी की कृपा हो, अनधन की सुख शांति समृद्धि की वर्षा हो और हमारा राजस्थान अग्रणी राजस्थान विकास की ओर बढ़ रहा है उसमें आप और हम सब सहभागी बने। वहीं क्लब के संस्थापक सदस्य प्रवीण चंद छाबड़ा ने इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए कहा कि पिंक सिटी प्रेस क्लब का उद्देश्य पत्रकारों को एक मंच प्रदान करना है जहां वे अपने विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान कर सके। आज का यह समारोह हमारे सभी पत्रकार साथियों की मेहनत और समर्पण को मान्यता देने का एक प्रयास है। उन्होंने आगे कहा, हमारा प्रयास रहेगा कि क्लब भविष्य में और अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करे ताकि पत्रकारिता की नई ऊंचाइयों को छू सके। मैं बड़े दावे और अधिकार के साथ मैं आज कह रहा हूँ अपनी ओर से
कि हमने कभी किसी से अपेक्षा नहीं की। सरकार को कोई जरूरत है तो हमारी ओर ध्यान दे, वो उनकी अपनी अपेक्षा है हमसे पूरी करें, हम उनकी अपेक्षा के हम अपनी अपेक्षा के लिए उनकी तरफ नहीं देखेंगे। और जिस रोज हम देख लेंगे उस रोज हम पत्रकार नहीं रहेंगे। कोई जैसा कि इनको कहा हम व्यापारी या सौदागर, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, जब कभी बात आई तो मैंने अधिकार के साथ में कहा कि अपने अधिकार को, अपने आप को, संगठन को मजबूत करो, अपने को संगठित करो, अपनी कलम में ताकत पैदा करो। कोई भी सरकार हमको झुका नहीं सकेगी, वो हमारे सामने झुक सकती है। और इस तरह पिंक सिटी प्रेस क्लब के 33वें स्थापना दिवस समारोह ने पत्रकारिता के प्रति सम्मान और समर्पण और एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। आज का यह समारोह न केवल पत्रकारिता की महत्ता को उजागर करता है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि सच की आवाज उठाने वाले पत्रकार कितने महत्वपूर्ण होते हैं। पिंक सिटी प्रेस क्लब हमारे पत्रकार साथियों के समर्पण और मेहनत का एक सुंदर प्रतीक है। आगे बढ़ते हुए हम सभी पत्रकारों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने कार्यों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते रहें, आगे भी अपने कार्यों से समाज को जागरूक करते रहेंगे। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।